लोकसभेनं 3 तलाक विरोधी विधेयकाला मंजुरी दिली. गेली कित्येक वर्ष 3 तलाकच्या दहशतीखाली वावरणाऱ्या मुस्लिम महिलांच्या आयुष्याची एक नवी सुरुवात या निमित्तानं होणार आहे. किसी को भी तलाक तलाक तलाक, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, करके नहीं देना चाहिए. शादी और तलाक कोई बच्चों का गुड़िया गुड्डे का खेल तो है नहीं. SMS पे तलाक हो रहे हैं, ईमेल पे तलाक हो रहे हैं, टेलीफोन पे तलाक हो रहे हैं. सिर्फ तलाक तलाक बोल देने से सिर्फ तलाक नहीं हो जाता. 3 तलाक के संकट से गुजर रही हमारी माता और बहनों को भी बचाने के लिए उसी समाज से लोग आएंगे. प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि इसको यूज नहीं करना है, इसका तो इस्तेमाल वैसे भी नहीं करना चाहिए. तलाक का सिस्टम को चेंज करना चाहिए ताकि हम औरतों को भी बराबर का हक मिले. तो ये सिस्टम ही गलत है कि 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाए. उत्तर प्रदेशच्या बरेलीतली राणी, आंध्र प्रदेश मधल्या हैदराबादची गौसिया बेगम आणि उत्तर प्रदेशच्या रामपूरची गुल अफशा, आजही 3 तलाकच्या जाचात अडकलेल्या या तिघी. 3 तलाक विरोधी बिल संसदेत मांडलं जाण्याआधीच्या गेल्या 3 दिवसातली समोर आलेली ही 3 प्रकरणं, 3 तलाक विरोधातला कायदा का हवा हे अधोरेखित करणारी ही 3 उदाहरणं. रामपूरची गुल अफशा एक दिवस सकाळी उशिरा उठली म्हणून तिला तिच्या नवऱ्यानं तलाक देऊन टाकला. रात को मारपीट हुई तो मैं रात भर सोई ना तकलीफ में, तो सुबह होते तलाक दे दी. किस बात को लेकर तलाक दिया? किस कोई बात बिना से देर से तो कहती हूँ तो इतनी तलाक दे दी. शुमायला जावेद ही नेटबॉल ची नेशनल प्लेयर, देशाचा अभिमान, पण तिला तिच्या घरातच सन्मान मिळत नाही. शुमायलाला मुलगी झाली म्हणून तिच्या नवऱ्यानं तिला तलाक दिला. हैदराबादमधल्या होशियाला ओमानला राहणाऱ्या तिच्या पतीचा एक दिवस फोन आला आणि तिला तलाक मिळाला. होशियानं परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराजांना पत्र लिहिलंय आणि न्यायाची मागणी केली आहे. सईद बिन जोहरा नाम है उनका, सईद बिन जोहरा अल राजी. 15 अगस्त 2017 को फोन आया, तलाक तलाक बोल के फोन आया, तो मैं बेहोश हो गई कि मेरे हस्बैंड ऐसा क्यों बोले, हर महीना मेरे को पैसे भेजने वाले. उस दिन जिस दिन वो बोले उस दिन पैसे भेजने का दिन था, उसी दिन तलाक बोलते मैं गिर गई. 2 वर्ष चाललेल्या खटल्यानंतर ही लढाई संसदेत पोहोचली आहे आणि त्याला मूर्त स्वरूप मिळत आहे. सभी विपक्षों से मैं उम्मीद करता हूं और निवेदन करता हूं वो इसको सर्वसम्मति से पास करा दे. ट्रिपल तलाक कुरीतियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है. तो निश्चित तौर से हमें जो है वो सुधार की दिशा में आगे बढ़ना होगा. मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका जो संवैधानिक अधिकार है, जो जेंडर इक्वलिटी का अधिकार है, उसको देना है मकसद और वो मकसद दे के रहा जाएगा. छोट्या छोट्या गोष्टींवरून, फोनवरून, व्हॉट्सअपवरून, मेसेज करून तलाक देण्यावर आता बंदी येणार आहे. यानिमित्तानं नवं वर्ष मुस्लिम महिलांच्या आयुष्यात नवा सूर्योदय घेऊन येणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया.